आज जो मीटिंग की गई थी आपने देखा होगा कलेक्ट्रेट पर हम सभी पार्षद ने मिलकर जो है एक तरह से धरना प्रदर्शन किया ताकि जो खाने की व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से जो है डगमगा दी गई थी। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। उसको जो है निगम जो है अपने हाथ में ले लिया उसने और निगम चालू करेगा और पार्षदों का जो फंड है उसमें से 1-1 लाख रुपए जो है निगम ने जो है सैंक्शन किया है। उस 60 लाख रुपए से जो है निगम अब जो है पार्षद के जितने भी क्षेत्र हैं उनके अंदर जो है खाने की व्यवस्था करेगा ताकि जो है जितने भी गरीब जो निडी लोग हैं जिनको वाकई में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है आज से उनको वापस से खाना पहुँचाएंगे। इस महामारी में प्रशासन का जिस प्रकार पार्षद बंधु कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं लड़ाई इस लड़ाई में उनके साथ खड़े थे, लेकिन जिस प्रकार का निर्णय प्रशासन द्वारा किया गया और अक्षय पात्र द्वारा नगर निगम द्वारा के सहयोग से जो भोजन पहुंच रहा था विभिन्न वार्डों में उसको रोक दिया, इसको लेकर के आज सभी पार्षद बंधुओं ने कलेक्ट्रेट पर जाकर के जिला मजिस्ट्रेट से मिलने की मांग की। उनको लेकर के वहाँ पर कुछ प्रशासन से हमारा चर्चा भी हुई। उस चर्चा के बाद में ध्यान में आया कि प्रशासन को तो पाबंद किया ही हम द्वारा मांग की गई कि वो जो भोजन बंद किया गया वो तो चालू किया ही जाए, साथ ही नगर निगम के महापौर महोदय के नेतृत्व में आज एक परिभ्रमण प्रमाण प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अंतर्गत अगर प्रशासन जो जनता जो जरूरतमंद है जो जिनको आवश्यकता है भोजन की उन तक अगर भोजन नहीं पहुंचता है तो नगर निगम के परिभ्रमण प्रस्ताव से हम द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि सभी पार्षद अपने विकास फंड का 1-1 लाख रुपया इस काम के लिए देंगे और उससे अजमेर की जनता को भोजन उपलब्ध कराएंगे। जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम के पार्षदों के द्वारा विगत 10 से 12 दिन से भोजन सामग्री का वितरण करवाया जा रहा था जो अक्षय पात्र के माध्यम से हो रहा था। जब इनकी तैयारी नहीं थी तब इन्होंने नगर निगम के 60 के 60 पार्षदों को साथ लिया। आपने भी देखा होगा कि जो वितरण की व्यवस्था थी उसमें किसी भी प्रकार से कहीं शिकायत नहीं आ रही थी, उल्टा पार्षद ये कह रहे थे कि ये जो राहत सामग्री है भोजन सामग्री है कम पड़ रही है इसकी संख्या को बढ़ाई जाए, किंतु कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो पार्षद के क्षेत्र में कमी भी पड़ रही थी तो उन्होंने जिला प्रशासन को ध्यान में भी दिलाया। इसके बावजूद भी फिर इन्होंने जनता रसोई में जो पार्षदों के द्वारा सहयोग से चल रही थी उसमें 10-10 रुपये के पैकेट खरीद के भी पार्षदों ने अपनी जेब के माध्यम से लोगों को भोजन सामग्री अन्य लोगों को भी वितरण करने का काम किया। जब ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी तो BLO के माध्यम से सूची बनाई गई और भोजन सामग्री का वितरण किया गया जो कच्चे माल का था। कच्चे माल का वितरण करते ही इन्होंने कल तुगलकी कलेक्टर साहब ने आदेश निकाल दिए जो सुबह तो आधा कर दिया और शाम को बिल्कुल ही बंद कर दिया। तब ये कई विषय पार्षदों के घरों पर लोग बाग आके खड़े हुए कि BLO ने जो सूची बनाई वो न तो किसी नगर निगम के अधिकारी को न किसी कर्मचारी को साथ लेके बनाई न जनप्रतिनिधि को साथ लेके बनाई, पता नहीं किस परफॉर्मे के साथ इन्होंने सूची बना कर दे दी जो बिल्कुल अपर्याप्त है। 60 के 60 पार्षद इस बात का विरोध करते हैं कि BLO के द्वारा बनाई हुई सूची गलत है अपर्याप्त है। खाना आपने बंद कर दिया, मैं वैसे ही निवेदन करना चाह रहा था, हमने कहा कि इस खाने को चालू रखो, धीरे धीरे देखो कि जहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भूखा नहीं रहना चाहिए और आपने तुगलकी फरमान निकाल कर कई घरों पे लोगों को भूखा सोने पर मजबूर किया। पार्षदों के घर पे पहुँचे, पार्षदों ने जिला प्रशासन से बात करने की कोशिश की, हमारे पार्षदों के फ़ोन ये अधिकारीगण ही नहीं उठा रहे, जिला प्रशासन के अधिकारी नहीं उठा रहे, उल्टा गुमराह करने का काम और जिला प्रशासन के रसद अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। उसका ये कहना है कि 23 लाख रुपये हमने नगर निगम को ट्रांसफ़र कर दिए, वो तो दोनों MLA साहिबान अनिता बदेल और देवनानी जी ने जो पैसे दिए थे वो है, पहले इनकी अनुशंसा आएगी, इस राशि से पहले तो सामग्री खरीदी जाएगी, कब बांटी जाएगी, बटेगा सामान 3 दिन बाद और भोजन सामग्री आज ही आपने बंद कर दी, इस प्रकार से गुमराह करने का काम। फिर यह कहना कि BLO नगर निगम के अधीन है जबकि BLO उत्तर विधानसभा के ADM फर्स्ट के अधीन है और दक्षिण विधानसभा के SDO के अधीन है। इस प्रकार से इन्होंने जो तुगलकी फरमान निकाला, पार्षदों के फ़ोन नहीं उठाए, पार्षदों की समस्या बताने के बावजूद भी जागरूक नहीं हुए। पार्षद जब अपनी अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर के पास मिलने गए वहाँ पर पार्षदों को रोका गया, महिला पार्षदों को गिरफ्तारी की गई और हमारे भी जो हम पार्षद लोग वहाँ पे थे हमारी भी उठा के उन्होंने कहा हम आपको
अगर कानून व्यवस्था तोड़ते, हमने कहा कानून व्यवस्था तोड़ने का हमारे को किसी भी प्रकार से शौक नहीं है। अगर कानून व्यवस्था तोड़ते तो हम कानून व्यवस्था को संभाल रहे थे। 10 से 15 दिन से यही नगर निगम के पार्षद सारी भोजन वितरण की व्यवस्था को संभाल रहे थे। हमने कहा इस बात से लेके फिर थाने पे ले गए थे, सिविल लाइन थाने, वहाँ वार्ता हुई, वार्ता के बाद छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद सम्मान छोड़ा गया और यहाँ पार्षदों ने हमने तय किया है कि अपने विकास फंड में से 1-1 लाख रुपये की राशि इस राहत सामग्री के लिए देंगे। तो निश्चित रूप से अगर जिला प्रशासन करता है तो ठीक है, नहीं तो नगर निगम अपने इस स्तर पे ये खर्चा उठाने को, वहन करने को तैयार है। अभी हमने कॉरिजोंडम जो होता है परिभ्रमण प्रस्ताव होता है, वो परिभ्रमण प्रस्ताव में कांग्रेस और बीजेपी के लगभग 40 के ऊपर पार्षदों ने साइन किए, और भी इस पर लोग बाग साइन कर देंगे। इस प्रकार से ऊपर राजस्थान स्तर पर भी हमारी बात हुई है और मेरे को लगता है कि इस समस्या का निदान होगा। कलेक्टर महोदय ने भी अब कहा, बताते हैं कि शाम से जो भोजन सामग्री जो आ रही थी वो यथावत जारी हो जाएगी।